भाइयो दोस्तों, मैं आप लोगों से यह अपील करने के लिए आया हूं, यह दावत देने के लिए आया हूं कि इस मैदान में एमआईएम के दो प्रत्याशी थे। एमआईएम के चुनाव चिन्ह पतंग छाप लेकर के मैं कमल होदा आपके सामने में आया था और कुछ गमो गुस्सा की वजह से निर्दलीय प्रत्याशी हमारे भाई तसीरुद्दीन साहब बन गए थे। आज हमारे भाई तसीरुद्दीन साहब हमारे हिमायत में, मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के हिमायत में बैरिस्टर अरशदुद्दीन ओवैसी के आदेशानुसार हम लोगों के साथ यहां पर समर्थन में आ गए हैं। मैं बेहद शुक्रगुजार हूं भाई जनाब तसीरुद्दीन साहब का। भाई तसीरुद्दीन साहब ने देखा कि आज जो देश का हालात है, जो किशनगंज जिस दौर से गुजर रहा है, इन हालात को और दौर को देखते हुए भाई तसीरुद्दीन ने यह निर्णय लिया, उनके कार्यकर्ताओं ने यह निर्णय लिया, एक अच्छा निर्णय लिया कि अगर हमारा वोट बटेगा। तमाम लोग असमंजस में पड़े हुए थे कि एमआईएम के ही प्रत्याशी जनाब कमल होदा साहब पतंग छाप लेकर के आए हैं और एमआईएम के प्रत्याशी जनाब तसीरुद्दीन साहब निर्दलीय उम्मीदवार बनकर के आए हैं। लोग सारे असमंजस में थे कि आखिर हम करें तो क्या करें। वो असमंजस आज दूर हुआ। हमारे भाई तसीरुद्दीन ने हमारे हिमायत में, बैरिस्टर अरशदुद्दीन ओवैसी के हिमायत में आज यहाँ पर आह्वान कर दिए, पूरे इलाके में आह्वान कर दिए कि आप तमाम लोग एमआईएम के प्रत्याशी को जिताइए और बैरिस्टर अरशदुद्दीन ओवैसी के हाथ को मजबूत कीजिए और अख्तरुल ईमान के हाथों को मजबूत कीजिए। भाइयों दोस्तों, आज हमारे सामने में बहुत सारी समस्याएं हैं। एक तो एक सांप्रदायिक ताकत जो देश का खतरा बना हुआ है, देश के साथ साथ किशनगंज का खतरा बना हुआ है और दूसरी तरफ ये परिवारवाद, जो परिवारवाद ये चाहते हैं कि ये विरासत की सीट है, ये परिवारवाद की सीट है, उस परिवारवाद की भी लड़ाई लड़नी है और उन सांप्रदायिक ताकतों से भी लड़ाई लड़नी है। उन सांप्रदायिक ताकतों की लड़ाई आज हमारा सीधा लड़ाई, सीधा सीधा एमआईएम और भारतीय जनता पार्टी से हमारा लड़ाई है। हमारे वोट को किसी भी हालत में बटने न दें और हमारे वोट अगर बटते हैं तो ये सांप्रदायिक ताकत यहाँ पर जीतेगी। और वो सांप्रदायिक ताकत आपको याद होगा कि 2014 से लेकर के अब तक, उससे पहले भी उन्होंने किशनगंज की जो एकता है और अखंडता है, इस एकता और अखंडता को खत्म करने के लिए, इस एकता और अखंडता को तोड़ने के लिए इन्होंने कई चालें चली। जिस चाल को हम लोगों ने किशनगंज के हमारे हिंदू भाई और मुसलमान भाई मिलकर के, इनके जो चाहे थे भारतीय जनता पार्टी के, इनके जो चाहे थे बजरंग दल के, इनके जो चाहे थे आरएसएस के, ये लोग चाहते हैं कि किशनगंज को हम तोड़कर बर्बाद कर जला करके रख देंगे। ठाकुरगंज में इन लोगों ने घटना किया, किशनगंज में घटना किया, इन सारे घटनाओं की बेबाकी के साथ हम लोगों ने लड़ाई लड़ा और लड़ने के बाद आज वो लोग मुंह के बल गिरे हैं और अब वो चाहते हैं कि मैं विधानसभा में जाकर के किशनगंज के अमन को खतरा बनूं। आज किशनगंज के अमन को खतरा बनने के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं। कुछ हमारे ही ऐसे लोग हैं, ऐसे नौजवानों को खड़ा कर दिए हैं जिनको गाड़ी में तेल देते हैं और कहते हैं कि इलाके में जाकर के भेजो और वोट मांगो। कम से कम अगर 2000 भी वोट काटेंगे तो कमरुल होदा को सीधा सीधा 4000 का नुकसान होगा। वैसे लोगों से भी आपको सावधान होना है, वैसे लोगों को तो गांव में घुसने तक नहीं देना चाहिए आप लोगों को। भाइयों दोस्तों, ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। इन लोगों ने आपको डर दिखाता है, पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने डर दिखाया, हमारे भाई अख्तरुल ईमान साहब के चुनाव में उन्होंने डर दिखाया। हर घर में जाकर के हमारी माँ बहनों से कहने लगा कि 72000 रुपया आपके खाते में चला जाएगा, हमको जिता दो। और जब वो जीत गए, क्या मैं उन माँ बहनों से पूछना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो 72000 रुपया का खाता ले गया? इन्होंने हमें से धोखा दे राजनीति किया है,
आजादी के बाद से लेकर के अब तक लोगों को डरा कर और धमका कर वोट लेने का काम किया है। कभी भारतीय जनता पार्टी के नाम पर इन्होंने ठगने का काम किया है, कभी इन्होंने पैसे का प्रलोभन देकर के लोगों को ठगने का काम किया है। मैं अख्तर अहमद मैं कमरे लहदा आपके सामने में खड़ा हूँ और आपके जाने पहचाने 2015 में मैं एनसीपी से चुनाव लड़ा था और आपके सामने में आया था और आपसे वोट मांगा था। मैं कोई नया चेहरा आपके सामने में नहीं आया हूँ, आपके इसी विधानसभा क्षेत्र का एक किसान का बेटा कमरे लहदा आपके सामने में खड़ा है। भाइयों दोस्तों, मैंने आपके सामने में वोट मांगा था, मैं चुनाव जीत रहा था। एलिमेंट आवर में एक ऐसा इन लोगों ने हवा चलाया कि अगर मुझे वोट नहीं दोगे तो नीतीश कुमार यहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, गाय काटना बंद हो जाएगा, फजर का जान बंद हो जाएगा। हमेशा इन लोगों ने धोखा देने का डराने का काम किया। अचानक ये आंधी रात में चला और हमारा सारा झोपड़ी को उजाकर ले गया और ये धोखा देकर के जीतने का काम किया। उस नीतीश कुमार के नाम पर, इस सेक्युलर के नाम पर इन लोगों ने वोट मांगे। अपना चेहरा तो इन लोगों का नहीं है, अपना कोई काम के नाम पर वोट नहीं मांग सकता है, विकास के नाम पर वोट नहीं मांग सकता है। कभी वोट मांगता है कि राहुल गांधी के नाम पर वोट दो, कभी वोट मांगता है कि सोनिया गांधी के नाम पर वोट दे दो, कभी वोट मांगता है कि लालू जी के नाम पर वोट दे दो, कभी नीतीश कुमार के नाम पर वोट मांगता है कि नीतीश कुमार के नाम पर मुझे वोट दे दो। वही नीतीश कुमार जिन्होंने पूरे बिहार में घूम घूम करके पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम करके कहा था कि मैं नीतीश कुमार हूं, मैं जहर पी सकता हूं लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ नहीं मिला सकता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा सकता हूं। वही नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ क्या मिलाएगा, इन्होंने नरेंद्र मोदी के गोद में जाकर के बैठ गए। हमारा वोट तो सेकुलर के नाम पर आप लोगों ने इस्तेमाल किया, आपने इस्तेमाल किया और वो सेकुलर के नाम पर वोट लेकर के वो नीतीश कुमार आज नरेंद्र मोदी के गोद में जाकर के बैठा हुआ है। ये वो लोग इस तरह से वोट मांगते हैं। और इन लोगों ने लोकसभा में 72,000 का प्रलोभन देकर के इन लोगों ने इलेक्शन जीत गया और फिर आज आपके सामने में आकर के आपको डरा रहा है और धमका रहा है कि एनआरसी लागू होगा। आप उनसे पूछिए इस एनआरसी को लागू करने वाला कौन है। हमारे भाई आदिल हसन साहब ने आपको बताया कि 1985 में राजीव गांधी ने एनआरसी को लागू किया और एनआरसी को लागू करने के बाद उस एनआरसी का इंप्लीमेंट आज भारतीय जनता पार्टी कर रहा है और ये कांग्रेस के लोग आज हमें डरा रहे हैं और धमका रहे हैं कि एनआरसी लागू हो जाएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर एनआरसी लागू होगा तो एनआरसी पर भी अगर कोई बोलने वाला होगा आपका बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ही बोलेगा। कोई वैसा नई का लाल नहीं है जो लोकसभा में एनआरसी के मुद्दा पर बोले। हमारे शरीयत पर हमला होगा, कोई मई का लाल नहीं है जो हमारा शरीयत पर जमला हो, जब हमला होता है तो लोकसभा में आवाज उठाए। आपने देखा होगा कलपते हुए हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, नम आंखों से जब खड़े हुए थे लोकसभा में उन्होंने बोल रहा था, उनके बातों को सुनते, उनके नम आंखों को देखते कि आज मैं लोकसभा में अकेलापन महसूस कर रहा हूं। मैं जब अपने वालिदे महतर को कब्र में उतारा था उस समय भी मैं अपने आप को अकेलापन महसूस नहीं किया था, लेकिन आज मैं अकेलापन महसूस कर रहा हूं कि हमारा शरीयत पर हमला हो रहा है, 3 तलाक पर हमला हो रहा है। और ये 3 तलाक पर जब हमला हो रहा है हमारे साथ कोई भी आदमी खड़ा नहीं है, मुझे आज अकेलापन महसूस हो रहा है। आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों को मजबूत कीजिए। आज अगर पूरे देश में मुसलमानों के मसले पर, मुसलमानों के मुद्दे पर अगर कोई आवाज उठाता है, कोई बेबाकी के साथ बोलता है, नरेंद्र मोदी के आंखों में आंख डाल करके अगर कोई बोलता है, वो है आपका बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। बैरिस्टर असदुद्दीन के ओवैसी के नाम पर आप एक बार पतंग छाप पर वोट दीजिए, कमरुल होदा का वोट दीजिए। कमरुल होदा आपके इसी विधानसभा का एक किसान, एक बार आजमा कर देखिए
जब एनआरसी का मुद्दा होगा या इस इलाके का मुद्दा होगा, आपके मुद्दा को विधानसभा में अगर कोई उठाएगा, वो आपके आपके बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के कयादत में और उनके नेतृत्व में, जनाब अख्तरुल इमाम साहब के नेतृत्व में कोई आवाज अगर उठाएगा, तो कमरुल हुदा को एक बार मौका दीजिए, एक बार वोट दीजिए। भाइयों दोस्तों, इन लोगों ने विकास के नाम पर ठगने का काम किया। यहाँ पर सारे लोग मौजूद हैं। आप यही नीतीश कुमार जब यहाँ पर आए हुए थे, आपको कॉलेज का उद्घाटन करने के लिए उन्होंने घोषणा पत्र में किया था, घोषणा किया था कि ये जो आपका पुल है उस पुल को बनाएगा, उन्होंने घोषणा किया था कि आज तक वो पुल बना। क्या उन्होंने जाकर के नीतीश कुमार से पूछा कि नीतीश जी आपने घोषणा करके आए हैं कि आपने घोषणा करके आए हैं कि वहां पर पुल बनाना है, और लोग हमें पकड़ते हैं, हमें पूछते हैं, कभी उन लोगों ने जाकर के नीतीश कुमार से पूछा नहीं, कभी उन्होंने नीतीश कुमार से बात नहीं किया कि हमने क्या किया। आप जानते हैं कि सात मेड़ी का पुल जो 9 महीना पहले इन्होंने शिलान्यास कर दिया, आप क्यों नहीं पूछते हैं इससे कि 9 महीना पहले जो सात मेड़ी का पुल को शिलान्यास किए हो, क्या वो पुल अब तक काम शुरू हुआ है? इनको तो सिर्फ जब समय आता है इलेक्शन का, जब समय आता है चुनाव का, इनकी आदत बनी हुई है धोखा के नाम पर कि मैं धोखा देकर के वोट लूंगा, विकास के नाम पर धोखा, सांप्रदायिक ताकत के नाम पर धोखा, इस तरह का धोखा देकर के इन्होंने हमारे इलाके से वोट लेने का काम किया है। भाइयों दोस्तों, मैं आपको आवाज देता हूँ, एक बार इस कमरल हुदा पर विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए, आप भरोसा कीजिए जनाब अख्तरुल इमाम पर, एक बार आवाज दीजिएगा, चाहे वो 12 बजे रात हो या 12 बजे दिन हो, कमरल हुदा को अपने साथ में आप मौजूद पाइएगा। भाइयों दोस्तों, एक बार भरोसा करके देखिए, एक बार आप पतन छाप में वोट देकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत कीजिए। आज तो हमारे साथ हमारे तसीर भाई भी साना बसाना चल रहे हैं, आज हमारे तसीर भाई भी सारे लोगों से आह्वान करते हैं कि पतन छाप में वोट दो, पतन छाप अगर यहां से जीतेगा तो ये लोग जो सांप्रदायिक ताकत जो चाहता है, एक झंडा तो कम से कम बिहार में गड़े, और जब ये झंडा आप बिहार में गाड़ेंगे तो आने वाला 2020 में 10 से 15 विधायक आपका विधानसभा में जाएगा और आपके इलाके के आवाज को वहां पर बुलंद करेगा। एक बार विश्वास कीजिए, आपकी एक वोट किशनगंज की तकदीर और तस्वीर बदल सकती है, आपका एक वोट कामलवाड़ी का तकदीर और तस्वीर बदल सकता है, आपका एक वोट यहाँ के तकदीर और तस्वीर को बदलेगा। भले ही अगर ये लोग पैसे वाले हैं, पैसा लेकर के आते हैं, उनका पैसा ले लीजिए और कह दीजिए कि मैं वोट नहीं दूंगा, हम 72 वाले हैं, करबला के मैदान वाले हैं, करबला के मैदान में जब इमाम हुसैन का शहीद हुआ था, एक तरफ वो जालिम ताकत था, यजीद का ताकत था, वो यजीद कह रहा था कि है हजरत इमाम हुसैन, हमारे हाथ पर हाथ दे दो, इमाम हुसैन ने कह दिया कि मैं गर्दन दे सकता हूँ लेकिन हाथ नहीं दे सकता हूँ, हम वो 72 वाले हैं, हम गर्दन दे सकते हैं लेकिन हाथ नहीं दे सकते हैं, इसलिए उसे कह दो कि मैं एक एक खून का कतरा बहा दूंगा लेकिन अपना वोट तुम्हें ताकत बनाने के लिए नहीं दूंगा, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए नहीं दूंगा, सांप्रदायिक ताकत को पनपने के लिए नहीं दूंगा। एक कुर्बानी आपको याद होगा, जब यहाँ पर लोकसभा का चुनाव हो रहा था, भाई अख्तरुल इमाम ने और सांप्रदायिक ताकत को प्रास्त किया और उन्होंने अलग ऐलान कर दिया कि मैं इस किशनगंज के सरजमीन पर भारतीय जनता पार्टी को कभी पनपने नहीं दूंगा। उन्होंने अपनी कुर्बानी दी और उनकी कुर्बानी रंग लाया, मौलाना असरारुल हक काशमी साहब जीत करके लोकसभा गए, और अगर अख्तरुल इमाम साहब रह जाते तो मौलाना अख्तरुल इमाम साहब नहीं जीतते, यहाँ पर फिर वही दिलीप जायसवाल जो किशनगंज को ये लोग चाहते हैं कि किशनगंज बिगड़े, यहाँ का एकता खतरा में आए, उनको हराने का काम जनाब अख्तरुल इमाम ने अपना कुर्बानी देकर के किया है। वही कुर्बानी आज इस विधानसभा में
हमारे बड़े भाई जनाब तसुरुद्दीन साहब ने दिए हैं, मैं उनको फिर से तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के कानून को माना और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन डिसिप्लिन का नाम है, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन अनुशंसा का नाम है, अनुशासन का नाम है मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन। इसलिए भाइयों दोस्तों एक बार भरोसा कीजिए, आपकी एक वोट, आपका एक वोट, एक एक वोट, आप एक एक वोट पतंग छाप में दे करके जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत कीजिए और इंशाअल्लाह अजीज जब हम जीतेंगे, आज जो ये सभा हो रही है कल इसी तरह से हम लोग जीत का सभा, फिर आपके सामने में ये सारे पदाधिकारी रहेंगे, हमारे अफसरों ईमान साहब रहेंगे, हम लोग कल फिर आकर के इसी तरह का सभा करेंगे। हमारे यहाँ पर बहुत सारे विकास किसी ने नहीं किया, रोड नहीं बनाया, पुल पुलिया नहीं बनाया, बिजली की बात नहीं की, स्वास्थ्य की बात नहीं की, क्योंकि समय कम है, फिर हम लोगों की सभा लगेगी, हम लोग इसी मजलिस इसी जगह में आकर के आप लोगों को इन लोगों का फहरिस्त गिनाऊंगा, इन्होंने अब तक बहुत लेकर के जाकर के क्या किया, इन्होंने